Hello students, I hope you are well and good at your homes. So we are continue with the topic wool. So in this topic we will study about the uses of the wool. So basically jo wool hai that is used in winters, right? In like in the woolen clothes mein use ki jati hai. So about 80% of the global jitni wool produce ki jati hai, it is used in making garments like sweater ho gaya, jacket ho gayi, right? Suits ho gaye, कोटीज एंड स्वेटर्स जो भी बनता है, दैट इज सॉक्सेस हो गई, राइट? तो दिस ऑल आर मेड अप ऑफ द वूल. वूल इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्लैंकेट्स, जो कपड़ा लिया जाता है रात को सोने के टाइम पे, ऊपर बेड शीट्स हो गई, राइट? एंड कारपेट्स नीचे बिछाने वाले फ्लोर पे. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लाइनिंग मटीरियल्स इन द बूट्स, हैट्स एंड ग्लव्स. लाइनिंग मटीरियल जो अंदर वाला मटीरियल होता है ना, जो हमारे स्किन के साथ अटैच्ड होता है, लाइक शूज़ में हमारे पैर के अंदर जो सॉफ्ट सॉफ्ट लगाता है, दैट इज़ द वूल विच इज़ प्रेजेंट विच कीप्स आवर फीट वार्म, राइट? हैट्स हो गए, हैट के अंदर भी वूल लगा होता है, एंड ग्लव्स ऑल्सो. वूल इज ऑल्सो यूज फॉर पैडिंग और फिलिंग द पिलोज. पिलोज के अंदर भी फिल की होती है वूल, विच के विद एम सॉफ्टनेस, राइट? इनकी शेप, प्रॉपर शेप होती है पिलोज की. काउचेज हो गए, जो सोफ़ाज में यूज़ किए जाते हैं, काउचेज बड़े वाले जो होते हैं, फ्यूटॉन्स जो गद्दे जिसे हम बोलते हैं, राइट? तो उन केसेस में भी वूल इज़ फेल्ड, राइट? सो नेक्स्ट कम्स, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द वूलन फैब्रिक्स. जो वूलन क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, वूलन गारमेंट्स, तो उनकी कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं सो दैट दे वुड लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट बिफोर वॉशिंग द वूल गारमेंट्स, हमें उनको before wearing the woolen garments, leaves them at least 24 hours as it helps in removing the wrinkles. अगर हमने पहने हैं कपड़े, स्टार्टिंग विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट 24 आवर्स तक हमें इनको खुला रख देना चाहिए, सो दैट उनमें जो रिंकल्स वगैरह हैं वो ईजीली निकल जाएँ, राइट? इट इज़ रिकमेंडेड टू हैंड वॉश द वूलन क्लोथ्स रैदर देन वॉशिंग दैम विद द मशीन. तो इनको हमें वॉश करना है जब भी, तो वी शुड वॉश देम विद आवर हैंड्स रादर देन पुटिंग देम इन द वॉशिंग मशीन. उसका रीज़न है बेटा, बिकॉज जो मशीन्स होती है दे ट्विस्ट द फैब्रिक को, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देती हैं. ट्विस्टिंग से इसके ऊपर असर पड़ जाता है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती. सो वी शुड ऑलवेज वॉश देम जेंटली विद आवर हैंड्स. नेक्स्ट इज़ नेवर यूज़ हॉट वाटर और ब्लीच, as the bleach can dissolve the woolen fabric. कभी भी ब्लीच जो क्लीन करने के लिए या फिर कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वी शुड नॉट यूज़ दैट. तो इससे क्या होता है दैट इट मे जो उसका फैब्रिक की क्वालिटी है, उसमें जो केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, दैट मे डिज़ोल्व, राइट? एंड उससे फैब्रिक भी डिज़ोल्व हो सकता है. एंड ऑल्सो एंड ऑलवेज वी शुड डू यूज़ कोल्ड वाटर फॉर वॉशिंग द वूल as it do not removes the quality, that is woolen fabric se remove nahi hota. And it should be gently squeeze karte rehna chahiye while washing. Never twist the fabric too much. Twisting means jaise hum usko twist kar dete hain while to remove the water, hai na? To hum usko nichod rahe hote hain jab fabric ko, usko zyada twist nahi karna chahiye. Next comes, leave the garments on the flat surface to dry. हमें जो गारमेंट्स हैं उनको फ्लैट सरफेस पे ही ड्राई करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दैट वी शुड नॉट ड्राई द वूलन क्लोथ्स इन डायरेक्ट सनलाइट, जिससे क्या हो सकता है उसका कलर फेड हो सकता है, राइट? एंड डू नॉट यूज़ मच ड्रायर्स, मशीन ड्रायर्स. जो मशीन ड्रायर्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे मे कॉज द फैब्रिक टू श्रिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है जो कपड़ा फैब्रिक बनता है वूलन क्लोथ्स. तो उनको ड्रायर से नहीं, उनको जेंटली उनको फ्लैट सरफेस पे रख के ही सुखाना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट ना हो. क्लियर इट इज़. नेक्स्ट इज़ नेवर हैंग योर वूलन गारमेंट्स टू ड्राई एज इट मे स्ट्रेच ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर अब्जॉर्ब. कभी भी वूलन क्लोथ्स को जब सुखाना है, उनको कभी भी हैंग करके नहीं सुखाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा पानी उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ड्यू टू विच अगर हम उनको हैंग करें तो वो लटक सकते हैं नीचे की तरफ, राइट? जिससे बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेचिंग हो सकती है कपड़ों की, एंड स्ट्रेचिंग से उनकी जो साइज़ लेंथ है वो ख़राब हो जाती है.
नेक्स्ट इज व्हेन प्रेसिंग, जब हम उनको आयरन करते हैं तो आयरन की सेटिंग्स हैं जो वूल सेटिंग पे इट शुड बी डन एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन द फैब्रिक बिफोर प्रेसिंग द क्लोथ्स, ठीक है। तो उनको जब भी प्रेस करना है कपड़ों को, जो वूलन कपड़े होते हैं उनके ऊपर पहले वाटर स्प्रिंकल करो, बिकॉज जो वाटर है इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द वूल एंड जिससे वो ईजिली जो है उनके जलने का जो डेंजर खतरा है इट इज़ removed, right? So these are the some of the cares that should be taken. Next comes health hazards. Health hazards which are related to the wool processing. जब wool की processing होती है from the stage of rearing से लेके knitting तक के, उन cases में कोई health के issues रहते हैं do the persons who are dealing with this. So let us study with this. The first point is जो वूल को डोमेस्टिकेट करते हैं, जो वूल रखने वाले लोग होते हैं, दे यूज़ सम केमिकल्स टू रिमूव द लीसीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप्स, लीसीज एंड ब्लो फ्लाइज जो उनको उनकी बॉडी पे बैठती हैं शीप्स के, उनके लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मैग्नीशियम फ्लोरोसिलिकेट्स। तो उनसे बचाने के लिए दे यूज़ सच केमिकल्स, बट वो केमिकल्स इतने हार्मफुल होते हैं कि दे मे ऑल्सो कॉज डिसीजेस टू द बॉडी ऑफ द जो पर्सन उनको उन जो शीरर होता है जो उनकी कटाई करता है राइट फ्लीस की, तो उनकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू दिस। नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस ड्यू टू हाई नॉइस ऑफ हाई लेवल ऑफ नॉइस इन द वूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे वूल बनाई जाती है वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं ड्यू टू विच देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस एंड विच मे ऑल्सो कॉज लाइक 20-30% हियरिंग लॉस इन द वर्कर्स हु आर वर्किंग देयर, क्लियर। नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड डिसीज है एक, दैट इज कॉस्ट ड्यू टू हाइड्रेटेड टेप वॉर्म, जो कि एक छोटी सी टेप वॉर्म होती है, इट कैन गो इन टू द माउथ ऑफ द वर्कर, जिस अंदर जाके इट में टेक आर न्यूट्रियंट्स, ठीक है, और ग्रो भी कर सकती है, इट इज़ अ पैरासाइट। तो इनसे भी इफेक्ट होने का खतरा रहता है, विच इफेक्ट्स आर किडनीज एंड लिवर्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट कम्स द काइंड ऑफ वायरस दैट इज़ द डिसीज कॉल्ड ओर्फ, विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस से होती है एंड इससे क्या होता है, जहाँ पे हो जाती है तो स्किन बर्निंग हो जाती है, स्किन की डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इट कुड बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड शीप्स एंड गोट्स, राइट, बट गोट्स एंड शीप्स के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता इस डिसीज़ का, बट इट्स इट वास्टली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग, राइट। दिस डिसीज़ कॉजेज लीजन्स ऑन द हैंड्स, लीजन्स क्या हैं, बर्निंग ऑफ द स्किन, राइट, एंड रिस्ट फेस ऑफ द शीरर एंड अदर कॉमन लाइफ स्ट्रोक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस इन्फेक्शंस आर ऑल्सो फाउंड इन द वर्कर, कुछ और भी ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो से वायरसेस पाए जाते हैं ड्यू टू द शीप्स, इन्फेक्टेड शीप्स की वजह से। सो दीज आर सम हेल्थ हजार्ड्स विच आर फेस्ड बाय द वूल प्रोसेसर्स द वर्कर्स हु वर्क इन द वूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।